वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम सेकंड यूनिट जो है आपका 12th क्लास का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। ये आप 9th क्लास में भी 11th क्लास में, ठीक है, इसके अलावा और पीछे जो जूनियर क्लासेज में भी आप पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। स्टूडेंट्स देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स कर दी जाती हैं तो एक मिक्सचर बनता है, ठीक है। वो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, वाटर के अंदर हमने शुगर जो है डिजोल्व कर दिया, ठीक है, तो वाटर के अंदर शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। अब वो जो मिक्सचर बना है दैट इज नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन बनता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो द होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज द सॉल्यूशन। द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन इज द शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर इज द एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहां पर सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन तभी बनेगा जब उसके अंदर जो सब्सटेंस डाला जाएगा वो नॉन रिएक्टिव भी होना चाहिए। ये ना हो कि उसके अंदर डालते उसके साथ रिएक्शन शुरू कर दे तो वो फिर सॉल्यूशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि वाटर के अंदर हमने शुगर डाला तो शुगर उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है, वाटर के साथ सिर्फ उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है। तो वाटर के अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट जो किचन में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड वो डाल रहे हैं, तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिंपली क्या करेगा, उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर वो केमिकली नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, तो उसके साथ मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस कॉल्ड द सॉल्यूशन। द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन इज द शुगर सॉल्यूशन। तो एक कंटेनर मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने थोड़ा सा शुगर जो है वो डिजोल्व कर दिया, ठीक है, तो शुगर उसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो डिजोल्व होने के बाद क्या होगा, इसका पार्टिकल का साइज 1 nm से कम हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। सॉल्यूशन बेसिकली हम देखेंगे, एक तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, एक प्राइमरी सॉल्यूशन होता है, एक क्वार्टनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में पूरा फोकस रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर ही। तो एक बार आप थोड़ा सा प्राइमरी सॉल्यूशन और क्वार्टनरी सॉल्यूशन के बारे में भी देख लीजिए। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस। जब दो सब्सटेंस जो है मिक्स कर दिए जाए और उससे जो सॉल्यूशन बना दैट इज नोन एज द बाइनरी सॉल्यूशन। सो देयर इज द एग्जांपल ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर इज द एग्जांपल ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का ही एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जब मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो सब्सटेंस थ्री सब्सटेंसेस मिक्स कर दिए जाए, जैसे कि सपोज शुगर वाटर एंड द सॉल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक तो वाटर हो गया, ठीक है, एक सब्सटेंस तो वाटर हो गया, सेकेंड हो गया सॉल्ट, थर्ड हो गया शुगर, तो तीन चीजें मिक्स हो गई हैं। इस मिक्सचर से जो फाइनली जो सॉल्यूशन बना दैट इज नोन एज द ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से फाइनली मैं आपको बता दूं क्वार्टनरी सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द फोर सब्सटेंसेस। ये मिक्सचर होता है फोर सब्सटेंसेस का, जैसे कि फर्स्ट वन इज द वाटर, तो वाटर एक सब्सटेंस तो वाटर हो गया, उसके अंदर आपने शुगर ऐड कर दिया तो दो हो गया, उसके बाद सॉल्ट ऐड कर दिया तो थ्री हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज ऐड कर दिया, वो क्या है, लेमन जूस। तो फाइनली हमारे क्या हो गए, फोर सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर बन गया, दैट इज नोन एज द क्वार्टनरी सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बाइनरी ट्राइनरी क्वार्टनरी सॉल्यूशंस के बारे में हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इस चैप्टर में कंप्लीटली पूरा का पूरा फोकस रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप जो है ये वीडियोस में जितना भी सब मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, इससे आप अपने इजीली बड़े अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं, जो आपके इन फ्यूचर में आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर के बनता है। तो बेसिकली दो सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में उनके दो कंपोनेंट्स हम कंसीडर करते हैं। द फर्स्ट वन इज द सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कंटेनर के अंदर वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने शुगर जो है डिजोल्व कर दिया। आपको फिर से बता दूं, मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर डाला, वाटर के अंदर मैंने शुगर जो है उसके अंदर डिजोल्व कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसके ये कौन सा सॉल्यूशन है, दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो बाइनरी सॉल्यूशन बना, ठीक है, अब इसके अंदर जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो है वाटर और लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो है शुगर। मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट शुगर है
और लेस जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर है, तो हमने क्या किया शुगर को वाटर के अंदर डिसोल्व किया, तो ज्यादा अमाउंट में वाटर था, कम अमाउंट में हो गया शुगर। तो स्टूडेंट्स जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं सोलवेंट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है वो सोल्यूट है और लार्ज अमाउंट में सोलवेंट। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको दे दूं कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, देखिए सोल्यूट के अंदर टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अल्फाबेट है। ठीक है, लेकिन सोलवेंट के अंदर कितने हैं, 2 2 4 2 6 7, इसके अंदर 7 है। ठीक है, तो ज्यादा किसमें है अल्फाबेट्स। ठीक है, ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि आपको ताकि याद रह जाए। तो सोलवेंट जो है ना उसके अंदर अल्फाबेट्स ज्यादा है, तो आप ये याद रखिए जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं दैट इज अ सोलवेंट, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है वो होते हैं सोल्यूट। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन लिया है दैट इज, इसमें अगर सोल्यूट की बात करें तो इसके अंदर सोल्यूट शुगर है और सोलवेंट जो है वाटर है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी बड़ा सिंपल सा बनेगा, व्हाट इज सोल्यूट, सोल्यूट आर द दो सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट। जो डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम सोल्यूट कहते हैं और वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सोलवेंट की बात करें, सोलवेंट आर द दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस ठीक है जिसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व होता है, जिसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम क्या बोलेंगे कि वो सोलवेंट कहलाएगा, और सोलवेंट क्या होते हैं लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आपको तरीका याद रखना है, ठीक है, सोल्यूट सोलवेंट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको फाइनली बता दूं, सबसे पहले हमने सोल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा है, सोल्यूशन कितने तरह का होता है वो पढ़े हैं, बाइनरी ट्रायंगल और क्वार्टरनरी सोल्यूशन। उसके बाद हमने बाइनरी सोल्यूशन को आगे कंटिन्यू कर दिया, बाइनरी सोल्यूशन ही इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, पूरा चैप्टर जो है इस बाइनरी सोल्यूशन पे चलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझा दिए, ये अपना स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।